झाबुआ में सहकारिता विभाग ने एक बड़े माफिया की कारस्तानी का पर्दाफाश किया है। जी हां, एंटी माफिया मुहिम के तहत कार्रवाई करते हुए सहकारिता विभाग ने दो ठग संजय श्रीवास्तव और गणेश प्रजापत को बेनकाब किया है। देखिए खास रिपोर्ट। मेघनगर मार्केटिंग संस्था की जांच के लिए 30 जनवरी को सहकारी विभाग द्वारा संजय श्रीवास्तव एवं गणेश प्रजापत के घर, दुकान एवं ऑफिस पर छापामार कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान उक्त सहकारिता माफियाओं द्वारा दर्जनों फर्जी शाख संस्था व भोले भाले लोगों को सहकारिता सोसाइटी के माया जाल में गुमराह कर सोसाइटी संचालित होने का मामला उजागर हुआ था। गुरुवार को मेघनगर में सहकारिता जांच कैंप आयोजित किया गया, जिसमें कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। संचालक बनाया था मुझे और मैंने फॉर्म भर के दिए थे। उसके बाद हम समूह बना रहे थे और कागज हमारे सब वहीं थे, उनके ऑफिस में रखे थे। हम उनसे ये ले रहे थे सलाह कि क्या करें आगे जाके क्या। उसके बाद ही कुछ जब्त हो गए, करें तब क्या करें। हमने कहा मैं तो इस्तीफा देती हूँ उसी पर, मैं तो महिलाओं के लिए काम करती हूँ, ऐसे झंझट पाली तो सब कौन करेगा काम। करती थी, कहीं बैठने की जगह नहीं थी हमको भी, तो सब महिला आती थी जो जिसे फार्म भरे थे मेरे सामने के बाद, फार्म भरे थे भर भर के भी रख लेते थे। ये कोई मेरे पास कोई अलग आपको जानकारी नहीं थी इसकी? नहीं, मेरे को जानकारी थी, दो तीन महिलाओं की जानकारी थी मेरे सामने जो भरा था वो जानकारी थी, बाकी कब भरे गए कब आती थी क्या महिला ही नहीं मानी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बहुत जरूरी है। अरे आर्थिक तो हुआ ही नहीं, कहीं बनी नहीं ना पूरी, कहाँ से आर्थिक लाभ हो गए, नए पैसे का आर्थिक लाभ नहीं। क्यों बुलाया आपको, काय की मीटिंग थी, किसके लिए बुलाया, कुछ सस्ता है आपकी क्या है? नहीं है तो फिर क्यों बुलाया आपको? किसे कहने पे आया आप? अच्छा, हमारे कहीं सब कहते हुए इंट बिठाना अध्यक्ष था, तुमने इस्तीफा दे दी तो और कहीं दूसरों का नहीं, एक आंखें देखा नहीं, पगे होना ही नहीं। आपके एक कौन सी समय इंट बट्टो है? इंट बट्टो कितने समय तक अध्यक्ष रहा है? बहुत सारे मेरी मन दिखे लो थोड़ा मारा इट बट्टे से कितनी इनकम हुई? अरे कहीं रिंगना भी है संचालक मन खुद नहीं पड़ा कौन संचालक मछली पालन समिति है वो महीने दो महीने तीन महीने में जो प्रस्ताव फेरा का टाइम आता है तो साफ लोग झाबा से आते हैं और वो सीधे वहीं ऑफिस में जाते हैं, उनकी बैठक वहीं है और वहाँ हमको खबर करके बुलवाते हैं तो हम रजिस्टर और फाइल लेके जाते हैं और वो बोलते हैं भाई आपको ये प्रस्ताव जवाब करना है, तो वो लिखा पढ़ी करते हैं, कुछ खामी रहती है तो एक दो चार दिन हमारे लग जाते हैं और हम हमारा धंधा चले जाते हैं। वो तो दूसरे हमारे रखते ही नहीं थे फाइल, वो एक ही जगह रहती फाइल और वो साफ लोग किसके यहाँ पर रहती थी? किसके यहाँ पर रहती थी फाइल आप? गणेश पंजाब जाओ गणेश भाई की ऑफिस में। बैंक का लेन देन कौन करता? बैंक का लेन साहब इतना अभी तक हमने कोई लोन तो लिया ही नहीं जो हम करते हैं। अच्छा। लोन ले लिया और आज तक भी जब से हमारी फाइल जो बनी समिति मेगा की अभी तक हमने कोई लोन लिया नहीं है और हमने मेगा के नाम से जो खाता खोला कॉपरेटिव बैंक में। अच्छा, वो खुद हम भरते हैं और खुद हम लाते हैं। वहीं सहकारिता विभाग के अनुसार संजय श्रीवास्तव एवं गणेश प्रजापत दोनों पिछले 20 साल से फर्जी तरीके से कई अलग अलग नाम की सहकारिता संस्था बनाकर चूना लगाने का काम कर रहे थे। संजय श्रीवास और गणेश प्रजापत मेरे ख्याल से पिछले करीब 20 सालों से अनेक तरह की सोसाइटियां के गठन कराने में इनका अहम रोल रहा है। धीरे धीरे कागज देखे तो पता चला कि उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बहुत सारी सोसाइटियाँ बनाई थी। इसको आप ऐसा समझ लें कि वो बीज सोसाइटी बना के बीज उत्पादन करने वाले भी हैं और उपभोक्ता भंडार बना के उचित मूल्य दुकान चलाने वाले भी हैं और मेघनगर मार्केटिंग के माध्यम से मार्केटिंग का काम करने वाले भी हैं और मछली सोसाइटी बना के एक मछुआरे के रूप में भी हैं। तो जब अत्यधिक शंकास्पद बातें हुई तो आज उसकी पुष्टि के लिए हम लोगों ने, और आश्चर्य की बात यह है कि जिन जिन संस्थाओं में उन्होंने अपनी पत्नी को अपने बेटे को शामिल कर रखा था, तो हमारा एक्ट ये कहता है कि एक सहकारी सोसाइटी में एक परिवार के लोग सदस्य नहीं रहे। बात कर रहे हैं उस दिन जब छापामारी करने के बाद हमने रिकॉर्ड जब्त किया तो हमारा पूरा विभाग बहुत ज़्यादा आश्चर्य में हम लोग पड़ गए जब रिकॉर्ड का परीक्षण किया कि हम मात्र एक सोसाइटी का रिकॉर्ड लेने के लिए आए थे, वहाँ हमें कम से कम 12 सोसाइटियों के रिकॉर्ड मिले। 12 सोसाइटियों के रिकॉर्ड की छानबीन के लिए कम से कम जो हमने 6-7 दिन लगाए हैं ये जस्टिफाइड, इतना समय लगता ही है। बैंकिंग की पासबुकें थी, बहुत सारे आधार कार्ड थे, लिंक से लिंक को जोड़ने में कि क्या कारण होगा। फिर हमने 91 लोगों को चिन्हित किया जो उन 12 सोसाइटियों से संबंधित थे।
उनको हमने नोटिस जारी करके आज उनकी सुविधा के लिए यहाँ मेघनगर में ही बुलाया। मेघनगर में आने के बाद अधिकांश बयान आप लोगों के सामने भी हुए हैं, तो ये पारदर्शिता इसलिए है कि कई परिवार के लोग मिलकर सहकारिता के माध्यम से एक अपना आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास करें। तो यहाँ बेटे भी अध्यक्ष हैं, माँ उपाध्यक्ष हैं, पिता पति कुछ पद में हैं, तो ये प्रथम दृष्टया तो सीधे सीधे बड़ी फर्जी तरह की कार्रवाई लग रही है। और इसमें ये पाया गया है लोगों के बयान से, कथन से, कि जैसे विनायक श्रीवास जो शायद संजय श्रीवास जी के पुत्र हैं, वो एक संस्था के अध्यक्ष हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम संस्था क्या होती है, किस एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, क्या बिजनेस करते हैं, दुकान में क्या व्यवसाय होता है, कहाँ से सामग्री आती है, कहाँ भेजी जाती है। इसी प्रकार एक दो संस्थाओं में उन लोगों की पत्नियाँ हैं, उनको भी कुछ भी नहीं मालूम है। अप्रत्यक्ष रूप से सभी का कहने का सार ये है कि जो कुछ भी करते थे वो उनके पति या उनके पिता या जो संजय श्रीवास और गणेश प्रजापति करते हैं। जहाँ तक कोई दंडात्मक कार्रवाई का प्रश्न है, तो मेरे विनम्र मत में जो लोग पीड़ित हैं इसमें, उन लोगों को आगे आके FIR करानी होगी या कोई उसके लिए दस्तावेज हम देंगे। लेकिन हमारा विभाग जो भी कार्रवाई करेगा, निश्चित है कि हम अपने अधिनियम और अपने प्रावधान के अंतर्गत ही कर पाएंगे। कुल मिलाकर अब सरकार को जल्द से जल्द इन काले कारनामे करने वाले धंधेबाजों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि आने वाले समय में किसी भी भोले भाले किसान और अन्य लोगों को गुमराह कर संजय श्रीवास्तव एवं गणेश प्रजापत जैसे सहकारिता माफिया अपने जाल में ना फंसा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, झाबुआ।